हाय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रिलेशन पे कौन कौन सा क्वेश्चन इस बार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। कल के वीडियो में हम लोग देखे थे कि रिलेशन में क्या क्या थ्योरी है, कौन कौन सा टाइप्स है, उसका डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे, और आज उस पे हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड में इस बार आ सकता है वो सब क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम दीपक कुमार एंड लेट्स प्ले विथ मैथ। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि बोल रहा है आपको कि इस क्वेश्चन में रिलेशन जो दिया हुआ है उसको इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। क्वेश्चन ऐसे है, लेट आर इज अ रिलेशन, आर इज अ रिलेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स मतलब कि जेड, जेड या आई कुछ भी लिख सकता है, सेट ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड बाय आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय टू। ठीक है, लेट आर इज अ रिलेशन, मान लीजिए कि आर एक रिलेशन है, सेट कौन सा दिया हुआ है, जेड। हर एक रिलेशन के क्वेश्चन में आपको एक सेट दिया रहेगा। दो चीज आपको देखना है, एक पहला चीज देखना है कि सेट क्या चीज दिया हुआ है, और दूसरा चीज आपको गौर करना है कि रिलेशन का डेफिनेशन क्या है। ये रिलेशन का डेफिनेशन है, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि मान लीजिए कि रिलेशन आर है सेट जेड पे और ये डिफाइंड है ना, तो ये इसको प्रूफ करना है, show that R is an equivalence relation, R is an equivalence relation, R को equivalence प्रूव करना है, ठीक है। साथ ही ये भी फाइंड करना है, find equivalence class जीरो का इक्विवेलेंस क्लास भी निकालना है। ये है अपना क्वेश्चन। देखिए आपको रिलेशन जो दिया हुआ है वो उसको ऐसे डिफाइन किया है, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई टू, और प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, फिर इक्विवेलेंस क्लास जीरो का निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये यदि क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में आपको तो 2 मार्क्स में आ सकता है ये एग्जाम में, और देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग इसको। सबसे पहले इक्विवेलेंस प्रूव करना है यदि किसी रिलेशन को, तो आपको उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चीज प्रूव करना होगा, तब जाके वो इक्विवेलेंस प्रूव होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव इसको प्रूव करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। चलिए रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है कि रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए देखिए रिलेशन के डेफिनेशन को, आप जहां पे बी है वहां ए रखिए अपने मन में, ए माइनस ए, अब पढ़िए पूरे को, a माइनस ए इज डिविजिबल बाई टू। ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि a माइनस ए जीरो होता है और जीरो इज डिविजिबल बाई टू, जीरो तो किसी नंबर से भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब यदि हम b के जगह a रखते हैं तो a माइनस ए डिविजिबल हो जा रहा है 2 से, और ये स्टेटमेंट सही हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि a कॉमा a रिलेशन में होगा, चाहे एक कोई भी इंटीजर हो। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, आपको मतलब सिखाते हैं ऐसे ही, आपको हर एक जो भी प्रूफ करना होगा जहां भी रिफ्लेक्सिव, तो आप ऐसे ही करेंगे, आप b के जगह a लिख देंगे, या मान लीजिए x कॉमा वाई लिखा हुआ है, x माइनस वाई लिखा रहता है यहां, तो y के जगह x लिख देते, और वो लिखने के बाद पूरे लाइन को यहां लिखेंगे। देखिए a माइनस ए, सिंस ए माइनस ए इज divisible by 2 है ना, hence a comma a belongs to R, means कि a का relation a से होगा, belongs to R, for all a belongs to set, given set क्या है यहां, z, तो z है ना, तो for all a belongs to z, इसका मतलब हुआ कि z में मतलब integer में चाहे आप कोई भी number उठा ले,
मान लीजिए 2 उठा लीजिए, 3, 4, 5, कोई भी नंबर नेगेटिव में उठा लीजिए, 0 उठा लीजिए, कोई भी नंबर उठा लीजिए, उसका रिलेशन उसके खुद से जरूर होगा। जैसे 1 का रिलेशन 1 से होगा, 2 का 2 से होगा, 3 का 3 से होगा, 4 का 4 से होगा, -1 का -1 से होगा, 1/2 का 1/2 से होगा। हर एक नंबर जितना भी आपको, सॉरी 1/2 तो z में है ही नहीं, यदि आपको कोई भी z चुनते हैं तो उसका रिलेशन उससे जरूर होगा, है ना। इसीलिए हम इस रिलेशन को बोल सकते हैं कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन हम लोग यही देखे थे कि प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन उसके खुद से जरूर होना चाहिए। तो देखिए, AA belongs to R, for all A belongs to Z, hence R is reflexive, R is reflexive। बस प्रूव हो गया कि R reflexive रिलेशन है। बस ये तीन स्टेप में आपको हमेशा ही रिफ्लेक्सिव प्रूव कर देना है, हो जाएगा। आपको जो दिया रहेगा उसमें आप B के जगह दिया हुआ A लिख के और पूरे इस लाइन को लिख देंगे, फिर ये लाइन लिख देंगे और फिर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम लोग प्रूव करते हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है। ये कैसे प्रूव करेंगे, देखिए आप सिमेट्रिक प्रूव करते हैं। रिफ्लेक्सिव के बाद आ गया सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए पहले आपको ये करना होगा, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मीन्स ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेशन में है, इस रिलेशन में ए बी है, है ना। अब हम माने हैं अपने तरफ से कि इस रिलेशन में ए बी है, तो कब हम बोल सकते हैं कि रिलेशन सिमेट्रिक है, यदि ये हम प्रूव कर दें कि इस रिलेशन में बी ए भी प्रेजेंट है। यदि ए बी और बी ए दोनों किसी रिलेशन में प्रेजेंट है तो रिलेशन सिमेट्रिक होता है, है ना। मतलब जो भी आप रिलेशन में माने हैं, यहां एक्स वाई यदि मानते तो वाई एक्स होना चाहिए रिलेशन में, तो जाकर रिलेशन सिमेट्रिक होता है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर है, देन नाउ वी हैव टू प्रूव दैट बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो अपना रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए, बी ए बिलोंग्स टू आर प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए। सबसे पहले मान लिए है ए बी बिलोंग्स टू आर, तब इसका मीनिंग लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय टू। इसका मीनिंग यहां से देख के लिख देना है आपको, ठीक है। अब बताइए आप, यदि ए माइनस बी दो से डिविजिबल हो जा रहा है तो b माइनस ए क्या दो से डिविजिबल नहीं होगा, जरूर होगा, क्योंकि a माइनस बी और b माइनस ए में क्या अंतर है, छोटा सा अंतर है बस माइनस का। तो माइनस टू यदि डिविजिबल है 2 से, तो माइनस टू यदि डिविजिबल है 2 से तो 2 भी डिविजिबल है। 4 यदि डिविजिबल है 2 से तो माइनस 4 भी डिविजिबल है। 6 2 से डिविजिबल है तो माइनस 6 भी 2 से डिविजिबल है। तो a माइनस बी यदि डिविजिबल है 2 से तो b माइनस ए भी 2 से डिविजिबल होगा। तो a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, दिस मीन्स b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। इसी बात से ये हम कंक्लूजन लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज यदि बी ए किसी रिलेशन में आ गया, है ना। देखिए इसको लिख सकते हैं बी ए बिलोंग्स टू आर। अब हम देख लिख सकते हैं यहां पे कि हम माने थे कि किसी रिलेशन में ए बी है और ये अपने आप प्रूव हो गया कि बी ए भी उस रिलेशन में है। मतलब ए बी का प्रेजेंस बी ए के प्रेजेंस को इंप्लाई कर रहा है, तो इसका मतलब आर जो है आपका वो सिमेट्रिक होगा, आर इज सिमेट्रिक। तो आर एक सिमेट्रिक रिलेशन है, ये भी प्रूव हो गया। अब आपको प्रूव करना है ट्रांजिटिव। तो देखिए ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करते हैं, देखिए इसमें आपको मानना होगा लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी किसी रिलेशन में है और उस रिलेशन में बी सी भी है, ए बी और बी सी दोनों ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन में प्रेजेंट है, ऐसा हम माने। अब यदि ये रिलेशन को ट्रांजिटिव प्रूव करना है आपको, तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा कि एसी भी उस रिलेशन में है। इन दोनों का प्रेजेंस यदि एसी के प्रेजेंस को इंप्लाई करता है, एसी के प्रेजेंस को कंफर्म करता है, इसका मतलब वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो देखिए इन दोनों के प्रेजेंट होने से किसी रिलेशन में एसी भी उस रिलेशन में प्रेजेंट है, ये बात कैसे प्रूव होता है। देखिए सबसे पहले आपको ए बी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग लिख देना है यहां से देख के, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई टू
एंड बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब हुआ बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय टू, डिविजिबल बाय टू, ठीक है, बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय टू। चलिए अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए यदि a माइनस बी टू से डिविजिबल है और b माइनस सी भी टू से डिविजिबल है तो दोनों का सम भी टू से डिविजिबल होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं, मान लीजिए 4 है टू से डिविजिबल और 6 है टू से डिविजिबल, दोनों को जोड़ दीजिए 4 प्लस 6 10, तो 10 का टू से डिविजिबल नहीं होगा, जरूर होगा, हमेशा होगा। a माइनस बी और b माइनस सी दोनों को यदि जोड़ देते हैं तो b से b कैंसिल हो जाएगा और a माइनस सी बचेगा, तो a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2। इन दोनों के बात का ये मतलब होता है। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि ए सी बिलोंग्स टू आर, है ना, हेंस ये प्रूव हो गया कि आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए यही तो करना था प्रूव, ए बी है तो बी, ए बी है और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, तो ए सी है तो ट्रांजिटिव प्रूव हो गया। तो यदि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों कोई रिलेशन होता है तो इसका मतलब वो रिलेशन है इक्विवेलेंस। तो ये हम लोग कह सकते हैं, अब ये प्रूव हो गया इन तीनों बात से कि हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए आर इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो गया। यहां तक हो गया क्वेश्चन। अब कह रहा कि फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो, जीरो का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। इक्विवेलेंस क्लास का क्या मतलब है? इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है कि जीरो से कौन कौन सा इंटीजर, क्योंकि इंटीजर सेट बोला है तो उस सेट का, इंटीजर वाले सेट का कौन कौन सा एलिमेंट जीरो से रिलेटेड है, ये बात आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं जीरो से कौन कौन सा रिलेटेड है, बताइए जीरो से कौन कौन रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले तो आप देखिए जीरो से तो खुद जीरो रिलेटेड होगा, क्योंकि जीरो माइनस जीरो टू से डिविजिबल है। फिर जीरो के बाद में जीरो से रिलेटेड होगा टू, क्यों? क्योंकि जीरो और टू को आप घटाइए, जीरो माइनस टू मिलता है आपको माइनस टू, माइनस टू डिविजिबल बाय टू, तो इसलिए टू भी रिलेटेड है। प्लस टू के साथ साथ माइनस टू भी रिलेटेड है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस टू। अब चलिए देखिए प्लस माइनस फोर, फोर भी रिलेटेड है जीरो से, कैसे? जीरो माइनस फोर इक्वल टू कितना? माइनस फोर, और माइनस फोर में आप टू से भाग दीजिए लग जाएगा, तो प्लस माइनस फोर, प्लस माइनस सिक्स, प्लस माइनस एट, ईटीसी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जितने भी इवेन नंबर्स है नेगेटिव के साथ साइन, सारा जीरो से रिलेटेड है ना। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो में यही आ गया आपका। तो ये इस क्वेश्चन में आपका आंसर हो गया। ये दो मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में आए, या फिर इसी का कुछ छोटा सा पोर्शन पूछ दे, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, बोल देगा ट्रांजिटिव प्रूफ कीजिए, या फिर दे देगा रिफ्लेक्सिव प्रूफ कीजिए और जीरो का इक्विवेलेंस क्लास निकालिए, तो ये चीज आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसी तरह का अगला क्वेश्चन एक लेते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ सकता है, एक और तरीके से पूछ सकता है ऐसे कि a कॉमा b सच दैट a माइनस बी का मॉड दे देगा, यहां इज डिविजिबल बाय 2, a माइनस बी का मॉड इज डिविजिबल बाय 2, आपको ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन दे दे, ठीक है। चलिए उसको भी प्रूव करना है आपको, इक्विवेलेंस, प्रूव दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस। तो कहां पे अंतर आएगा देखिए इस पूरे में, सेम टू सेम रहेगा, बस अंतर आएगा कि a माइनस ए में यहां मॉड लगा देंगे, यहां मॉड रहे तो यहां b के जगह मॉड आ जाएगा। फिर लिखेंगे हम लोग कि a बिलोंग्स टू r, हेंस r इज रिफ्लेक्सिव। अब फिर हम लोग यहां पे आएंगे तो यहां पे a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा c बिलोंग्स टू r सेम रहेगा, बस यहां पे मीनिंग जब लिखेंगे हम लोग ab बिलोंग्स टू r का तो मॉड लगाएंगे, यहां पे मॉड लगाएंगे। अब दोनों जगह पे मॉड लगा हुआ है आपका, तो फिर हम लोग दोनों को जोड़ेंगे अभी मॉड के अंदर में तो भी वो डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय टू होगा। इसका मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर, आर इज ट्रांजिटिव, यहां पे ए बी बिलोंग्स टू आर तो मॉड ए बी, ए माइनस बी डिविजिबल बाय टू तो मॉड बी माइनस ए डिविजिबल बाय टू,
a माइनस बी का मॉड और b माइनस ए का मॉड दोनों तो बिल्कुल सेम चीज होता है ना, नेगेटिव का भी यहां अंतर नहीं है, तो बी ए बिलोंग्स टू आर इसलिए आर इज सिमेट्रिक और ये प्रूव हो जाएगा। तो यदि मॉड भी रहे तो ऐसा ही होगा। लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर भी कर सकता है कि मान लीजिए दे दिया मॉड ए माइनस बी है ना, ऐसा लिखेगा टू डिवाइड्स मॉड ए माइनस बी, मतलब क्या हुआ, यही बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को ऐसा शब्द में पूछा जा सकता है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखिए कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर, रिलेशन का नाम है ये आर, ऑन आर, ये सेट है, ये जो आर दिया हुआ है ये सेट वाला रियल नंबर का सेट है, डिफाइंड एज आर इक्वल टू दिस इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये जो रिलेशन आपको दे रखा है यहां से यहां, ये प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव भी है पर सिमेट्रिक नहीं है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं कि ये है रिफ्लेक्सिव। कैसे है रिफ्लेक्सिव, देखिए आपको बोले थे हम कि रिफ्लेक्सिव जब भी प्रूव करना हो कि है तो आप बी के जगह पे ए ले लीजिए, तो ए लेस देन इक्वल टू ए होगा, ए लेस देन इक्वल टू ए, क्या ये सही नहीं है, बिल्कुल सही है, ऑल रियल नंबर के लिए सही है, ए लेस देन इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर लीजिएगा तो ए छोटा या बराबर ए से सही है ये लिखा हुआ, क्योंकि हर एक ए तो इक्वल तो ए का जरूर होता है ना, लेस नहीं होता है पर ए तो इक्वल ए के जरूर होगा, तो इन दोनों में से लेस में और इक्वल में कोई भी एक साइन यदि सही है मतलब सही होता है, जैसे कि टू लेस देन इक्वल टू टू ये बिल्कुल सही चीज लिखा हुआ है, टू लेस देन इक्वल टू थ्री ये भी सही है, पर टू लेस देन इक्वल टू वन ये गलत है क्योंकि टू इज नाइदर लेस देन वन नॉर इक्वल टू वन, इस दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए। तो चलिए ए लेस देन ए ये सही बात लिखा हुआ है, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए रिलेशन में होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव हो गया। अब चलिए रिफ्लेक्सिव के बाद में प्रूव करते हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है कैसे, नॉट सिमेट्रिक, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है ये बात प्रूव करना है। देखिए जैसे कि हम रिफ्लेक्सिव है ये रिलेशन, ये प्रूफ करने के लिए जनरल प्रूफ दिए हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं लिए हैं हम, ए का वैल्यू कोई रियल नंबर जैसे टू या थ्री नहीं लिए हैं, एक जनरल एलिमेंट ए लेके जो कि सारे रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको लेके बनाए हैं। लेकिन यदि आपको नॉट सिमेट्रिक प्रूफ करना है, यदि कोई रिलेशन प्रूफ करना है कि नहीं है सिमेट्रिक या फिर नहीं है रिफ्लेक्सिव, ऐसा यदि कोई प्रूफ करना है तो आप कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट भी लेके ये प्रूफ कर सकते हैं कि नॉट सिमेट्रिक, दिखा सकते हैं कि देखिए ये इसके कारण ये सिमेट्रिक नहीं है, कोई एक तो भी एग्जांपल यदि आप दे दिए कि नॉट सिमेट्रिक का तो प्रूव कर देता है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, है ना। तो नॉट सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हम लोग ऐसे मानते हैं, लेट वन कॉम वन लेस देन इक्वल टू टू, ये तो आप जानते हैं कि वन लेस देन इक्वल टू टू है ना, लिख सकते हैं ऐसे, सिंस वन लेस देन इक्वल टू टू, इसका मतलब हुआ वन कॉमा टू बिलोंग्स टू आर, है ना, वन कॉमा टू बिलोंग्स टू आर। अब बट टू इज नाइदर लेस देन वन नॉर इक्वल टू वन, टू नहीं तो छोटा है वन से न इक्वल है वन के, तो दिस इंप्लाइज टू कॉमा वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो अब देखिए किसी रिलेशन आर में यदि वन टू है पर टू वन नहीं है, इसका मतलब वो रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं है, तो लिख देंगे हम लोग कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये प्रूफ हो गया कि सिमेट्रिक नहीं है, एक एग्जांपल दे दिए काफी है, एक एग्जांपल बस प्रूफ कर देता है कि ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं है, है ना। अब हम लोग ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं कि है, प्रूफ करना था ना क्वेश्चन में कि ट्रांजिटिव है प्रूफ कीजिए, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों है प्रूफ कीजिए, तो आइए करते हैं, लेट
ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। मान लीजिए कि किसी रिलेशन में ए बी है और बी सी दोनों है, दोनों ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या होता है? ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब होता है आपका यहाँ पे कि ए लेस देन बी मीन्स ए लेस देन इक्वल टू बी एंड बी लेस देन इक्वल टू सी। बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब हुआ। नाउ इफ ए इज लेस देन बी इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन इक्वल टू सी देन वी कैन से दैट ए इज लेस देन इक्वल टू सी। ए एकदम पक्का बात है कि सी से छोटा होगा। देखिए ए तो बी से ही छोटा है और बी बेचारा खुद सी से छोटा है, तो ए तो सी से छोटा होगा ही ना। कोई भी आप एग्जांपल लीजिएगा तो ये ए लेस देन इक्वल टू सी होगा। इन दोनों का बात का कंक्लूजन ये निकलता है। तो इस बात से हम लिख सकते हैं कि ए सी रिलेशन में है और इसका मतलब ये हुआ कि आर इज ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव रिलेशन है। इस बात का ये मतलब हो गया प्रूफ आपका। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है, ये बात प्रूफ करना था क्वेश्चन में, तो ये हम लोग प्रूफ कर दिए। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन आपका, सो दैट द रिलेशन इज ग्रेटर देन। ये देखिए यहाँ पे जो इज ग्रेटर देन लिखा हुआ है इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में घेरा हुआ है, इज ग्रेटर देन इन द सेट ऑफ आर। देखिए रियल नंबर का सेट दे रखा है आपको। हम बताए थे कि रिलेशन के क्वेश्चन में दो चीज खोजना है, पहला सेट और दूसरा रिलेशन को डिफाइन कैसे किया गया है, मतलब डेफिनेशन। इस क्वेश्चन में हमारा सेट क्या दिया हुआ है? सेट दिया हुआ है इसमें आर, रियल नंबर का सेट। और रिलेशन को जो डिफाइन किया गया है वो आर इक्वल टू, देखिए इसमें पिछले जो दो क्वेश्चन में लिखा हुआ था ए कॉमा बी ऐसे करके नहीं लिखा हुआ है, सीधा लिखा हुआ इज ग्रेटर देन, ये रिलेशन का नाम है यहाँ पे इज ग्रेटर देन। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर का मतलब यहाँ पे रिलेशन है, आर इक्वल टू, आर मतलब रिलेशन, आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन बी। आप इज ग्रेटर देन को यहां पे लगा दिए हैं, देखिए इज ग्रेटर देन ए और बी के बीच में, ए इज ग्रेटर देन बी, यही रिलेशन हुआ। ये इज ग्रेटर देन को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन है वो पिछले क्वेश्चन की तरफ दिख रहा है ना। प्रूफ करना है कि ट्रांजिटिव तो है पर नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है। तो चलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है ये बात हम प्रूफ करते हैं, नॉट रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव नहीं है कैसे प्रूफ करेंगे? आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि रिफ्लेक्सिव नहीं है या सिमेट्रिक नहीं है, ऐसा प्रूफ करने के लिए आपको बस एक एग्जाम्पल देना है। आप ऐसा कोई एग्जाम्पल ढूंढिए जिससे कि रिफ्लेक्सिव ना हो। रिफ्लेक्सिव कब नहीं होगा? जब किसी एलिमेंट का रिलेशन उसके खुद से नहीं होगा तो फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो बताइए जैसे हम लेते हैं, मान लीजिए वन लेते हैं, ए का वैल्यू लेते हैं वन, तो बताइए क्या वन इज ग्रेटर देन वन, क्या ये सही है? वन इज ग्रेटर देन वन नहीं, ये गलत है। वन नॉट ग्रेटर देन वन, वन ग्रेटर नहीं होता है, इक्वल टू रहता फिर, जैसे इज ग्रेटर और इक्वल रहता तो फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता, बट यहां पे केवल लिखा हुआ है इज ग्रेटर देन, तो वन इज नॉट ग्रेटर देन वन। हेंस हम लोग बोल सकते हैं वन 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 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब रिलेशन में वन वन नहीं है। और यदि वन वन रिलेशन में नहीं है इसका मतलब ये काफी है प्रूव करने के लिए कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आपका कोई भी नंबर लेके देख लीजिए, टू 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 नहीं होगा रिलेशन में, थ्री थ्री नहीं होगा रिलेशन में, फोर फोर नहीं होगा रिलेशन में, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब हम लोग को ये प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं है तो उसको एक एग्जांपल दीजिए आप। देखिए जैसे कि हम लिखते हैं टू कॉमा वन बिलोंग्स टू आर, टू कॉमा वन रिलेशन में होगा, क्यों होगा, हम ऐसा क्यों बोले? क्योंकि टू इज ग्रेटर देन वन, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि टू कॉमा वन रिलेशन में है क्योंकि टू इज ग्रेटर देन वन, सही बात है। बट वन कॉमा टू डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज वन इज नॉट लेस देन टू,
वन कॉमा टू नहीं होगा। देखिए टू वन तो रिलेशन में है पर वन टू रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब जो है रिलेशन उसका उल्टा रिलेशन नहीं मिला आपको, इसलिए हम कह देंगे आर इज मतलब रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब हम लोग ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन है ये, कैसे प्रूव होगा देखिए, तो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में ए बी और बी सी दोनों ऑर्डर्ड पेयर है ऐसा मान लिए। अब ए बी यदि रिलेशन में है इस बात का क्या मतलब हुआ कि ए इज ग्रेटर देन बी, इस बात का ये अर्थ हुआ कि ए ग्रेटर देन बी है तभी तो ए बी रिलेशन में है, एंड इस बात का मतलब हुआ बी इज ग्रेटर देन सी। तो देखिए अब क्या है कि यदि ए बी से बड़ा है, मान लीजिए ए है और ये ए जो है वो बी से बड़ा है, मतलब बी तो छोटा है ना, ये ए है ये बी है और बी बड़ा है सी से, मतलब सी और छोटा है ना, तो आप कंफर्म है कि ए इज लेस देन सी, इस दोनों बात का ये अर्थ हुआ कि ए इज सॉरी ए इज ग्रेटर देन सी, इस बात से ये स्पष्ट हो रहा है देखिए कि ए इज ग्रेटर देन सी, इसका मतलब हुआ कि ए सी बिलोंग्स टू आर, हेंस वी कैन से दैट आर इज ट्रांजिटिव, आर एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, आर ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये प्रूफ हो गया हमारा कि रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है पर नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक है, तो ये क्वेश्चन आपको प्रूव करना था। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, देखिए कह रहा है इसमें कि चेक वेदर द रिलेशन आर इज रियल इन रियल नंबर आर डिफाइंड बाय आर इक्वल टू दिस इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, मतलब रियल नंबर के सेट में, सेट यहां दिया हुआ है रियल नंबर का और रिलेशन का ये डेफिनेशन दिया हुआ है, प्रूव करना आपको ये चेक करना है इसमें कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो आइए चेक करते हैं, पहले रिफ्लेक्सिव देखिए, यहां रिफ्लेक्सिव में आपको हम बताए थे कि बी के जगह ए रख के चेक करना चाहिए, पहले ए इज लेस देन इक्वल टू ए क्यूब, क्या हमेशा सही है ये कि ए ए क्यूब से छोटा होगा, ऐसा हमेशा सही नहीं है। जब आप वन से छोटा नंबर लेते हैं ना, जीरो वन के बीच का कोई नंबर लीजिए जिसमें हम वन बाय टू लिए, तो वन बाय टू छोटा या बराबर नहीं है वन बाय टू का क्यूब से, क्योंकि वन बाय टू का क्यूब होगा वो वन बाय एट होगा, ये खुद छोटा हो जाएगा वन बाय टू से। तो हम लोग लिखेंगे वन बाय टू कॉमा वन बाय टू डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्यों, क्योंकि वन बाय टू इज नॉट लेस देन वन बाय टू का होल क्यूब, इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक पे आएंगे, सिमेट्रिक में वन इज लेस देन इक्वल टू टू क्यूब, ये तो सही है इसलिए वन टू बिलोंग्स टू आर, बट टू इज नॉट इक्वल लेस देन और इक्वल टू वन क्यूब, मीन्स की टू वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए वन टू तो रिलेशन में होगा, क्यों होगा, क्योंकि वन छोटा है टू का क्यूब से, टू का क्यूब आठ होता है तो छोटा है ना वन, पर यदि हम उल्टा करके देखें, इसी का उल्टा ले ले टू वन ले ले, तो टू क्या छोटा होगा वन का क्यूब से, वन का क्यूब वन होगा तो टू तो बड़ा होगा वन से, इसलिए टू वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट सिमेट्रिक, मतलब वन टू रिलेशन में है पर उसका उल्टा टू वन रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब वो सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव पे आइए, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, दस 10 इज लेस देन इक्वल टू 4 क्यूब, 4 का क्यूब से तो छोटा होगा ना 10, 4 का क्यूब हो जाता है 64, 64 से छोटा है। अब 4 जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब है, 2 का क्यूब 8 होता है तो 4 तो छोटा ही है उससे, इसका मतलब हुआ 10 कॉमा 4 बिलोंग्स टू आर एंड 4 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर। देखिए आपका ये ए है ये बी है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, BC belongs to R, तो यदि AB और BC किसी रिलेशन में है तो AC को भी होना पड़ेगा तब जाके वो ट्रांजिटिव होगा, पर देखिए तो ऐसा है क्या, A ये है आपका और C ये है, देखिए A जो है not less than equal to 2 cube, 2 का क्यूब 8 ही रह जाता है, तो 10 जो है छोटा नहीं है 2 का क्यूब से, इसका मतलब 10 कॉमा 2 belongs रिलेशन में नहीं कर रहा है, इसका मतलब AC A कॉमा C does not belongs to R, means कि R is not transitive, AB है BC है पर AC इस रिलेशन में नहीं है, जिसके कारण से ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये क्वेश्चन ऐसा था जो कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखिए रिलेशन यहाँ पे गिवन है, ये आपको गिवन है कि R equal to 1, 2 और 2, 3,
मीन्स कि रिलेशन में आपको दिया हुआ है 1 2 और 2 3, ये दो ऑर्डर्ड पेयर आपको दिया हुआ है, और सेट है अपना, ये सेट है, सेट दिया हुआ है आपको ए, जिसमें के एलिमेंट है 1 2 3, कह रहा है देन राइट डाउन मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स व्हिच व्हेन एडेड टू आर, इसमें यदि जोड़ा जाए उसको मेक्स इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए अभी जो आर लिखा हुआ है जिसमें कि 1 2 है और 2 3 है, ये रिलेशन अभी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। एक्चुअली ये तो अभी ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, कुछ नहीं है, चेक कर लीजिए आप। पर इसमें कह रहा है कि मिनिमम कितना एलिमेंट और कौन कौन सा एलिमेंट हम इसमें जोड़े ताकि ये रिलेशन हो जाए इक्विवेलेंस। तो इसमें कौन कौन सा जोड़ना चाहिए तो देखते हैं। आइए, ये जो हम जोड़ने का बात कर रहे हैं वो एलिमेंट मतलब ऑर्डर्ड पेयर, वो जोड़ते कहां से हैं? वो जोड़ते हैं सेट, यदि ए दिया हुआ है तो ए क्रॉस ए से जोड़ते हैं। पहले ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं, 1 2 3 क्रॉस 1 2 3, यहां से क्या क्या आ जाएगा देखिए, 1 1 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, इस तरह से 1 3 आएगा, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3, ये 9 टोटल एलिमेंट्स आएगा ए क्रॉस ए में, है ना। अब कह रहा है कि इसमें से हम उठा के इसमें से इस 9 में से कौन कौन सा एलिमेंट इसमें जोड़े ताकि ये रिलेशन हो जाए आपका इक्विवेलेंस, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सा जोड़ना चाहिए। 1 2 और 2 3, ये तो दिया हुआ है तो आपको लेना ही पड़ेगा। अब इसमें सबसे पहले तो देखिए, इस रिलेशन को हम चाहते हैं कि रिफ्लेक्सिव बने, तो रिफ्लेक्सिव बनने के लिए इसमें 1 1 2 2 और 3 3 को होना जरूरी है, तो इसीलिए पहले इसमें हम जोड़ते हैं 1 1 2 2 और 3 3। ये क्यों जोड़े? ये इसलिए जोड़े क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 अब हो गया यदि, तो ये रिलेशन अभी रिफ्लेक्सिव हो गया, तो एक तो हो गया काम अपना, चलिए रिफ्लेक्सिव वाला काम तो हो गया। अब सिमेट्रिक अभी नहीं है, ये सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 नहीं है, तो आप इसमें 2 1 भी ऐड करिए, तो ये 2 1 भी ले लिए। 2 3 है पर इसका उल्टा 3 2 नहीं है, तो इसमें 3 2 भी ऐड कीजिए, तब ये जो आया आपका 3 2 ऐड होने के बाद में इसका भी उल्टा हो गया, इसका भी उल्टा हो गया, तब ये यहां तक जोड़ने पे आपका ये रिलेशन अब सिमेट्रिक भी हो गया, पर अभी ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है ट्रांजिटिव, देखिए 1 2 और 2 3 मतलब ए बी और बी सी तो है, पर ए सी कहां है इसमें, ए सी मतलब 1 3 नहीं है इसमें, देख लीजिए 1 3 नहीं है, इसीलिए इसमें 1 3 भी जोड़ना होगा ताकि ये ट्रांजिटिव बने। लेकिन जैसे ही आप 1 3 को अकेला लाए, यहां से आप यदि 1 3 को लाए, 1 2 तो पहले से ही है और 2 3 भी पहले से ही है ना, आप जैसे ही ये 1 3 को लाए यहां, तो फिर बच गया 3 1 यहां पे केवल, और ये 1 3 आने पे जब तक 3 1 नहीं आएगा इसका उल्टा, तो ये कैसे होगा आपका सिमेट्रिक। तो केवल तो आप 1 3 नहीं जोड़ सकते ना, 3 1 को भी लाना होगा, जब 3 1 को ले आए तो उसमें बचा ही कुछ नहीं, अब जब सारा आ गया तब तो ये इक्विवेलेंस होना ही है, ये तो अब ट्रांजिटिव भी हो गया, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों हो गया। और आप देखिए, नहीं चाहते हुए भी आप कितना भी कम जोड़ेंगे तो ये 7 एलिमेंट आपको जोड़ना होगा, तभी जाके ये रिलेशन आपका बनेगा इक्विवेलेंस। मतलब मिनिमम नंबर जो पूछ रहा था ना, राइट डाउन मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, तो वो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, टोटल 7 ऑर्डर्ड पेयर्स आपको जोड़ना होगा, तब जाके ये रिलेशन इक्विवेलेंस बनेगा, मिनिमम 7 जोड़ना होगा, और आपसे मैक्सिमम भी पूछे तो यही होगा, क्योंकि आपका इसके अलावा तो कोई और ऑर्डर पेयर है ही नहीं जोड़ने के लिए। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए सेट ए दिया हुआ है आपको, सेट बी दिया हुआ है एलिमेंट इसमें कुछ, और आर इक्वल टू लिखा हुआ है ये, है ना। इसको देखिए आप, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 मेन चीज यहां है, राइट रेंज ऑफ आर, इस रिलेशन का रेंज क्या होगा, रेंज और डोमेन क्या होता है रिलेशन का। देखिए सबसे पहले रेंज और डोमेन लिखना है यदि आपको है, तो रिलेशन में जितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएगा वो सबको लिख लीजिए। देखिए कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर इसमें आएगा, देखिए वाई आपको चुनना कहां से है, बी से, वाई इससे चुनना है, और एक्स बिलोंग्स टू ए का मतलब एक्स यहां से चुनना है, और इस तरह चुनना है कि वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो। मतलब यहां पे यदि एक्स आप चुनते हैं पहले 1, मान लीजिए ये 1 चुनते हैं,
x के जगह, तो y क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो ऑर्डर्ड पेयर में x कमा y लिखना है, मतलब 1 चुनते हैं x तो y होता है 2। फिर अभी हम यहां पे x के बदले में चुनते हैं 2 को, तो 2 प्लस 1 y का वैल्यू कितना होगा, 3। यदि आप यहां पे 3 चुनते हैं तो y होगा 4, और यदि आप यहां पे x का वैल्यू यहां से ये 4 चुनते हैं तो y का वैल्यू होगा 5। और तो कुछ आप x का वैल्यू चुन ही नहीं सकते। तो ये हो गया रिलेशन अपना। अब इसमें यदि आपसे रेंज पूछा जा रहा है, तो रेंज का मतलब जितना ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आया है उसका बाद वाला, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का जो बाद वाला एलिमेंट है वो, जैसे 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ये रेंज हो गया। यहीं पे यदि आपसे डोमेन पूछा जाता इस क्वेश्चन में, तो फर्स्ट वाला जो ऑर्डर्ड पेयर का, सारे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है ना, वही हो गया आपका डोमेन। और यदि आपसे कोडोमेन पूछा जाता, कोडोमेन, तो कोडोमेन में होता आपका, यदि रिलेशन सेट ए से सेट बी पे डिफाइन है तो ये जो बी सेट होता है वो पूरा का पूरा आपका कोडोमेन हो जाता, मतलब 1 2 3 4 5 6 रिलेशन डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो ये है रेंज डोमेन और कोडोमेन का। तो अभी आप देखें ये सारा क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख के समझ लीजिए। जहां भी आपको दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट करके बताइए, ठीक है। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो सब भी आपको ये क्वेश्चन बना सके। एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा है ना इस बार, तो आप इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है।